हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग अपडेट्स में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेई 2018 का कट ऑफ कितना आ सकता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो भी एसएससी जेई ने आंसर की अपलोड की है, उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन राइज करना है, उसके लिए एसएससी जेई ने नोटिफिकेशन डाल रखा है कि आप इसको कब से लेके कब तक कर सकते हैं। चलिए मैं उसको नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप जो भी ऑब्जेक्शन राइज करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने टाइम दिया है। रिप्रेजेंट जो पॉइंट नंबर 3 देखिए, इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेंटेटिव आंसर की इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 12 आफ्टरनून ऑन 17/10/2019 विल नॉट बी एंटरेंट अंडर एनी सरकमस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन राइज कर दिया होगा। तो फ्रेंड, जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट आने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। उससे पहले इसका जो भी रिवाइज आंसर की आएगा, रिवाइज आंसर की आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। तो ये मान के चलिए ये अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में रिवाइज आंसर की आ जाएगी, ये मान के चलिए आप। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएससी जेई 2018 का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले सिविल का। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो जनरल की कट ऑफ है वो 105 जाएगी, ओबीसी की ओबीसी कट ऑफ जाएगी 97 और एससी की जाएगी 90 और एसटी की जाएगी 86। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बार जो सीट्स नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफी ज्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में। ये मान के चलिए आप 1100 सीट के फेर में जो सीट है वो सिविल इंजीनियरिंग का है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सीट थोड़ा कम है, तो उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने के चांस है। तो फ्रेंड, ये काफ़ी एक्यूरेट कट ऑफ है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना जाएगा। देखते हैं मैकेनिकल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जनरल का कट ऑफ जाएगा उसमें जनरल का 125, ओबीसी का 112, एससी का 90 और एसटी का 94। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिकल सीट काफ़ी कम है इस बार, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने का चांस है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो जनरल कट ऑफ जाएगा वो है 124, ओबीसी का 110, एससी का 100 और एसटी का जाएगा कट ऑफ वो है 94। तो फ्रेंड, ये काफ़ी एक्यूरेट कट ऑफ है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कट ऑफ काफ़ी हाई जाने का चांस है, क्योंकि सीट कम है इस बार। तो फ्रेंड, आप लोग अगर इस दायरे में आ रहे हैं, इस रेंज में आपको मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।